वैलेंटाइंस डे में हम चॉकलेट या फिर केक्स कुछ ना कुछ बाहर से लेके आते हैं, तो आज हम यहाँ पे बेंटो केक बनाएंगे और इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। और ये जो केक है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है, करीबन 300 ग्राम जितनी ही होती है, तो आप जब चाहे इस छोटी सी केक को बना के एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल डे हो या ना हो, जब भी आपको केक खाने का मन करे तब आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक स्पॉन्ज प्रिपेयर करते हैं। तो बाउल में 1/4 कप जितनी पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे और उसी के ही साथ हम इसमें 1/4 कप जितना दही ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून ऑयल। तो जब भी हम यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पे बिना फ्लेवर वाला ऑयल का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे मूंगफली या सरसों का ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आधा चम्मच जितना वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें उससे पहले हम यहाँ पे कढ़ाई को 10 मिनट पहले ही धीमी आंच पे अच्छे से प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अब वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो आधा कप जितना मैदा, 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से छान के प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसे हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो एकदम लम्स फ्री बन के तैयार हो जाए। बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून जितना दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी केक बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा हमें रूम टेम्परेचर वाले ही सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो एकदम स्मूथ और रिबन कंसिस्टेंसी वाला बनके तैयार हो गया है, तो इसे हम टीन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेंटो केक बनाने के लिए 4 इंच का जो केक टीन आता है उसका इस्तेमाल किया है। आपके घर पे कोई भी 4 इंच का एल्यूमिनियम या फिर स्टील का कोई भी डिब्बा होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम 3 से 4 बार अच्छे से टैप कर लेंगे और उसके बाद हम इसे प्रीहीटेड कढ़ाई में रख देंगे और इसे हम धीमी आंच पे करीबन 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से बैक होने के लिए रखेंगे। 25 मिनट के बाद हम इसमें टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम साफ है, यानी कि जो केक है वो परफेक्ट तरीके से बैक हो गई है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब जब तक केक ठंडी होती है तब तक यहाँ पे हम चॉकलेट गनाश बना के प्रिपेयर कर लेंगे। तो हम पैन में आधा कप जितना फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम आती है उसका इस्तेमाल किया है। अब इसे धीमी आंच पे अच्छे से गरम कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो क्रीम है वो अच्छे से गरम हो गई है, तो इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मैंने 200 ग्राम जितनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट को बारीक कट करके प्रिपेयर कर लिया है। अब गरम की हुई क्रीम को हम इसमें ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला हमारा गनाश बन के प्रिपेयर हो जाए। इसमें मैंने ओनली डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे 70% डार्क कंपाउंड और 30% मिल्क कंपाउंड चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारा गनाश है वो एकदम स्मूथ बनके तैयार हो गया है, तो इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रखेंगे। अब दूसरी ओर जो हमारी केक है वो भी ठंडी हो गई है, तो इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। बेंटो का जो एक्चुअल मीनिंग है वो लंच बॉक्स होता है, तो इसीलिए इस केक को लंच बॉक्स केक भी कहा जाता है। और ये लंच बॉक्स साइज़ की केक है, तो इसे आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो उसे बना के आप लेके जा सकते हैं और फिर एंजॉय कर सकते हैं। अब इसे हम 3 पार्ट में कट करके प्रिपेयर कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप इसे नाइफ से कट नहीं करना चाहते तो इसे थ्रेड से भी कट कर सकते हैं। तो हमें इस तरह इसे 3 पार्ट में कट करके प्रिपेयर कर लेना है। अब दूसरी ओर जो हमारा गनाश था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो जो गनाश है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम स्प्रेडिंग होनी चाहिए।
अब जो केक का लास्ट लेयर है इसे हम पहले रखेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा शुगर सिरप अप्लाई कर लेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको आधा कप जितना पानी लेना है और इसमें 3 चम्मच जितनी पीसी हुई शक्कर ऐड करनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने जो गनाश बना के प्रिपेयर किया था इसे हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरह। तो इसे हमें बहुत ही हल्के हाथ से स्प्रेड करना है। गनाश जो होता है वो एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला होता है और जब हम इसे सेट करके यूज़ करते हैं गनाश को तो वो चॉकलेट ट्रफल बन जाता है, यानी कि थीक कंसिस्टेंसी वाला बनता है। अब इसमें हम थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी की फ्लेवर ऐड करेंगे क्योंकि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो मैं इसमें 1 चम्मच जितना स्ट्रॉबेरी क्रस ऐड करूँगी। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रस नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर रखेंगे और इसे हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप अप्लाई कर लेंगे और फिर से हम इसके ऊपर गनाश ऐड करके सेकेंड लेयर को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट लेयर में जो मेथड अप्लाई की वही मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर हम तीसरा लेयर भी रख देंगे और हम इसकी साइड्स को कवर करके प्रिपेयर कर लेंगे। फर्स्ट लेयर जैसे बनाया वैसे ही हमें यहाँ पे तीनों लेयर रख के इसे चॉकलेट गनाश से कवर करना है और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी साइड्स को भी कवर करके प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने बाउल में हल्का सा ल्यूकवॉर्म वाटर लिया है। अब स्पैचुला को हम इसमें डीप कर लेंगे और इसकी साइड्स में हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह हम स्पैचुला को गर्म पानी में डीप करने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे तो जो हमारी केक है उसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। स्पैचुला को थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे गर्म पानी में डीप करेंगे और केक को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह का जो बेंटो बॉक्स आता है वो लिया है। ये जो बेंटो बॉक्स है वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जहाँ से हम बेकरी का रॉ मटेरियल लेके आते वहीं से आसानी से मिल जाएगा। और बेंटो बॉक्स में मैंने बटर पेपर ऐड किया है और हमने जो केक बनाई है इसे हम प्लेस कर देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे हार्ट शेप का मेरे पास कुकी कटर है तो वो रख रही हूँ इसके ऊपर और जस्ट हम कोको पाउडर से इसके ऊपर थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे। जो हार्ट है इसमें हमें डस्टिंग करना है कोको पाउडर से। इस तरह जो केक है उसके सेंटर में एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। अब इसकी जो एजेस है इसे हम चॉप किए हुए वॉलनट से कवर करेंगे। आप इस तरह विदाउट नोजल भी केक को अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैलेंटाइन डे स्पेशल बेंटो केक बनके तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी वापस आएंगे एक ऐसी आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।